मोर देन 4 लाख स्टूडेंट्स हैव बुक द डेमो एट द हिंदू जोन डॉट कॉम विच इज़ अ वेरीफाइड प्लेटफॉर्म ऑन विच यू नीड टू बुक द डेमो ओनली थ्रू द हिंदू जोन डॉट कॉम विच इज़ द वेरीफाइड प्लेटफॉर्म. यू नो दैट लॉट ऑफ स्कैम्स आर गोइंग ऑन. देर आर द टाइम्स वेन कोचिंग्स आर ओपन एंड देन द कोचिंग्स आर off and you have already paid the fees. This is the only reason students, more than 4 lakh students have booked the coaching demo with the hinduzone.com. Call at the given number 0800-222-98 at the hinduzone.com. Speak with the psychologist counselor at the hinduzone.com and book your demo now in the verified coaching only. Don't get into the false trap. Choose the right coaching, the Hindu Zone. Hello everyone, I'm Akanksha Chauhan and welcome to our YouTube channel, Our Education, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ UPSC related, आपके जो questions होते हैं, आपके जो doubts होते हैं, जैसे कि best coaching कौन सी लें, offline लें या फिर online लें, ये सारी चीज़ें. साथ ही स्टूडेंट, अगर आप अदर स्टेट के जो PCS examination की preparation कर रहे हो तो भी ये channel आपके लिए ज़रूर helpful रहेगा. तो channel पर नए हैं तो channel को subscribe करें and video को ज़रूर देखें, end तक video को share भी करें. बताना चाहूँगी हिंदू जोन के बारे में. हिंदू जोन हमारा कोचिंग गाइडेंस प्लेटफॉर्म है जो आपको कोचिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है एंड द हिंदू जोन डॉट कॉम पर जाकर आप अपनी डेमो क्लासेस डायरेक्टली बुक कर सकते हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी तक 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने द हिंदू जोन डॉट कॉम पर अपनी डेमो क्लासेस बुक कर ली है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले आप भी जल्दी से जाइए हिंदू जोन डॉट कॉम, विजिट कीजिए और फटाफट से अपनी डेमो क्लासेस को बुक कर लीजिए. It is very important to take the test series to complete your preparation. So if you want to take the test series, these are the tested platform where from where you need to take the test series, because the content and the quality questions on these platform are very much up to date and are from different resources across pan India basis. So if you are preparing for UPSC examination, these are the platform: Examophobia, Online Khan Market, The Hindu Zone, Murnal.app, Plutus IAS, Yojana IAS. Especially the test series of Plutus IAS is very good and best in the market for UPSC examination preparation, followed by Yojana IAS coaching institution. The test series in Plutus IAS and Yojana IAS are, which is Delhi based IAS coaching institute, the test series at these center are from different topmost coachings across India, including Delhi. तो स्टूडेंट, आज की वीडियो रहने वाली है बहुत स्पेशल और उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर जो अभी 12th के अंदर हैं या फिर अपनी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं. हाँ, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं दो तरह के लोगों के लिए है, लेकिन बाकियों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी जो अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं. तो बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो 12th में हैं या अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं. आखिर उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने की, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. तो पॉइंट बाय पॉइंट हम ये डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी, स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद एनसीईआरटी. आपने ये बहुत बार सुना होगा कि आपको यूपीएससी करना है तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है. तो बिल्कुल आपने सही सुना. एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है? क्योंकि उससे हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं, हमारा जो बेसिक है वो बहुत अच्छा क्लियर होता है, हमारे बेसिक बेसिक बनता है. जब आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छे से स्टैंडर्ड बुक से चीज़ें नहीं समझ पाओगे. तो जो कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो हमको पता होनी चाहिए और वो हम एनसीईआरटी के हेल्प से पूरी कर पाएंगे. और वैसे कि आप 12th में हो, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो, तो स्टूडेंट्स आपके पास अभी बहुत टाइम है कि आप अपना यूपीएससी का पेपर दोगे ग्रेजुएशन के बाद. आपके पास 2 और 3, किसी के पास 4, तो 3-4 साल आपके पास हैं यूपीएससी का पेपर देने के लिए. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, बिल्कुल बेसिक से अपनी पढ़ाई कीजिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगा. और यही वो चीज़ें हैं ना स्टूडेंट्स, जो आपको पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर करा सकती है. आपने सुना होगा पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर हो गया, तो वो इन्हीं चीज़ों से होता है. जब स्टूडेंट बहुत समय से तैयारी करता है और बिल्कुल बेसिक से अपना कॉन्सेप्ट बनाते चलता है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगा. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट्स. आप एनसीईआरटी से जो भी पढ़ते हैं, वैसे एनसीईआरटी के मतलब आपको सिर्फ पढ़नी है, नोट्स आप ना भी बनाएं तो भी चलेगा, बट हाँ, अगर आपको
ऐसा लगता है कि आपको कुछ कुछ चीज़ें नहीं आती है, याद नहीं रहेंगी, बाद में भूल जाओगे, तो आप बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाते हुए एनसीईआरटी के चलिए, यानी कि बहुत ही शॉर्ट्स बनाना है, क्योंकि आपको पूरी एनसीईआरटी की बुक नहीं छापनी। मेन नोट्स जब आप बनाओगे तो स्टैंडर्ड बुक से ज़्यादा आपको हेल्प करेगा जो नोट्स वगैरह बनते हैं, बट एनसीईआरटी के अगर आप बनाना चाहते हैं तो बहुत क्रिस्प और क्लियर नोट बनाइए, बहुत छोटे छोटे टर्म्स में चीज़ें रखें ताकि आप आगे जाके भूलें। To complete your examination preparation, notes are very, very important. And if you want genuine note and genuine study material, then you should definitely visit onlinekhanmarket.com. At this platform, you will be getting the best consolidated notes, updated notes of any exam of any coaching. Download notes now. नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आता है, और अगर आप ट्वेल्थ में हैं तो ट्वेल्थ के लिए तो मेन यही रहेगा कि आप ग्रेजुएशन में क्या लें। ग्रेजुएशन में भी स्टूडेंट आप एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करें जो आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन में हेल्प करे। अगर आपको यूपीएससी का गोल बिल्कुल क्लियर है तो ऐसे ही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए चूज़ करें जो आपको बिल्कुल आगे चल के हेल्प करे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप क्या करें, तो कोई बात नहीं, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो कोई मैटर नहीं करता, आप फिर भी यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, क्रैक कर सकते हो, तो उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ये ट्वेल्थ वालों के लिए एडवाइस रहेगी। लुकिंग फॉर द रैंकिंग ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट और यू आर इन द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट इन योर सिटी, ऑलवेज चेक द रैंकिंग एट institute-rank.com, blog.oureducation.in, bestcoaching.app, onlinekhanmarket.com, thehinduzone.com. The verified and best coaching institute with the best track record are listed at these platform only. इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मुझे पता है अभी अगर आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे देखोगे तो सब कुछ आपके सर के ऊपर से जाएगा, और ये बहुत कॉमन है, ये जाएगा ही जाएगा और ये होगा ही होगा, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डर की वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप नहीं देख रहे हैं तो वो बहुत गलत है। आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने हैं, आपको समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वो सॉल्व करने नहीं बैठना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, ओनली जस्ट अ यू नो स्मॉल रीडिंग, आपको रीडिंग करनी है क्वेश्चन पेपर की, ताकि आपको ये पता लगे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि उसी तरह से आप जब पढ़ने बैठो तो आपको लगे हाँ यार, इस तरीके से इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो मैं इसको इस तरीके से पढ़ूंगा। तो ये चीज़ें आपको करनी है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ मैंने डिस्कस किया कि अगर आप ट्वेल्थ में हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप किस तरीके से अपनी जो है यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएं, और thehinduzone.com पे डेमो क्लासेस बुक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।